नमस्कार मित्रों, हर वर्ष की तरह पाक पर्व गांधी पर्व मनाने जा रहा है। आज इस कड़ी में हम दांडी यात्रा पर चर्चा करेंगे। दांडी यात्रा हमारे लिए एक जीवन यात्रा है। इस दांडी यात्रा से हमें व्यवस्थापन कौशल और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का उत्तम उदाहरण है दांडी यात्रा। सत्यमेव जयते, दांडी यात्रा यह सत्य और सत्ता के बीच की लड़ाई है। सत्य ही विश्वास है। चुनौतियों में अवसर खोजने के लिए प्रेरित करती है दांडी यात्रा। संघर्ष ही जीवन है, यह मंत्र देती है दांडी यात्रा। अहिंसा ही जीवन का प्राणवायु है। एकता में शक्ति है, यह संदेश देती है दांडी यात्रा। नेशन फर्स्ट, स्वहित से पहले देश ही, इसके लिए प्रेरित करती है दांडी यात्रा। आइए मेरे साथ दांडी यात्रा की सफर पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत में आई और यहां जम गई। फूट डालो राज करो, इस तहत ब्रिटिश सरकार ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार नियोजित तरीके से समृद्धशाली भारत को कुदेलना प्रारंभ कर दिया था। भारत से कच्चा माल जहाजों से लादकर इंग्लैंड में पहुंचाया जा रहा था और वहां पर औद्योगिकरण की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। वहां पर तैयार किया गया माल फिर से भारत में ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। इस तरह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई युवाओं की सहभागिता से आगे बढ़ाना चाहते थे और उनका मानना था कि देश की भविष्य की बागडोर युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं का चुनाव किया। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं ने ही इस देश का गौरवशाली इतिहास बनाया है और देश का उज्जवल भविष्य भी उनके हाथ में है। युवा शब्द को अगर हम पलट कर देखते हैं तो वायु होता है। युवा शक्ति वायु के समान शक्तिशाली है। उन्हें केवल सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। देश की युवा शक्ति को अगर सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाने की केवल आवश्यकता है और इससे हम भारत को महासत्ता बनाने का स्वप्न भी देख सकते हैं। जिस देश में युवाओं की भागीदारी अधिक होती है वह देश अधिक प्रगतिशील होता है। युवा ही देश का भविष्य है। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़ा जन आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन सवाल था कि जन आंदोलन कैसा छेड़ा जाए। इसके लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। उन्हें एक ऐसे मुद्दे की जरूरत थी जिससे सारा देश एकजुट हो जाए। विचार मंथन के लिए कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई और उसमें विचार विमर्श किया गया। समांतर सरकार स्थापित करना चाहिए, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था। वाइसराय के घर पर मोर्चा निकालना चाहिए, ऐसा बजाज जी का अपना मत था। भूमि राजस्व के विरुद्ध लड़ाई छेड़नी चाहिए, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। शराब बिक्री के विरुद्ध लड़ाई छेड़नी चाहिए, ऐसा श्री राजगोपाल जी ने अपना विचार व्यक्त किया। आखिरकार कांग्रेस कमेटी ने अंतिम निर्णय लेने का अधिकार गांधी जी को दिया। देखिए, इस विचार मंथन से हमें ये सीख मिलती है कि संकट आने पर हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। परिवार में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो उसे विचार विमर्श करके सुलझाना चाहिए। परिवार के छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखनी चाहिए, किंतु अंतिम निर्णय अपने परिवार के बुजुर्गों पर सौंप देना चाहिए और बाकी लोगों ने उसका सम्मान करना चाहिए। गंभीर विषयों पर वाद विवाद अपेक्षित हैं, किंतु उसका अंत सुसंवाद में होना चाहिए। विचारों में सबसे बड़ी शक्ति है। जिस विचारधारा में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सबका हित, सबकी ग्रोथ होती है, वहीं से सफलता का मार्ग प्रारंभ होता है। गांधी जी अब जन आंदोलन के चिंतन में जुट गए थे और बहुत विचार मंथन के बाद उनके मन में एक विषय उभर कर आता है, नमक।
जब गांधी जी द्वारा नमक को लेकर सत्याग्रह छेड़ने की बात कही जाती है तो सभी को वह हास्यास्पद लगती है। सभी नेताओं द्वारा इस कल्पना का शुरुआत में विरोध किया जाता है, परंतु गांधी जी इससे विचलित नहीं होते हैं। गांधी जी नमक के सत्याग्रह को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। नमक आम आदमी की जीवना आवश्यक जरूरत थी, पर ब्रिटिश सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था। उस समय ब्रिटिश सरकार लगभग 8.2% टैक्स केवल नमक के नाम पर वसूल कर रही थी। अब सवाल था कि जन आंदोलन कैसे छेड़ा जाए, इसकी शुरुआत कैसी हो, और ये सवाल गांधी जी के मन में उठने लगे। गांधी जी पहले अनुकरण स्वयं करते थे और बाद में लोगों को दोहराने की अपील किया करते थे। गांधी जी दांडी यात्रा की माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग में जुट गए। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक पहली यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आश्रम के सभी सदस्यों को इसके लिए तैयार किया गया। गांधी जी ने दांडी को ही क्यों चुना? अरबी समुद्र से आई लहरों से वहां पर नमक जमता था, इसलिए सत्याग्रह हेतु दांडी को उन्होंने चुना। मार्च का महीना था, यात्रा के दौरान कार्यकर्ता खुले में सोएंगे, अपना खाना स्वयं बनाएंगे, सभी सत्याग्रही खादी के कपड़े और टोपी पहनेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। यात्रा जिस गांव से गुजरेगी उस गांव के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा करने का काम कुछ लोगों को सौंपा गया। जनसंख्या, पुरुष, स्त्री, धर्म, शिक्षण, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी, घर में मवेशी पशुओं की संख्या, घर में चल रहे चरखों की संख्या, भूमि राजस्व का दर, सार्वजनिक खेतों की संख्या आदि जानकारी जुटाई जा रही थी। यात्रा में बूढ़े, बच्चे और औरतों को शामिल नहीं किया गया था। गांधी जी की सत्याग्रहियों से कुछ अपेक्षाएं थी। वह किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को जानबूझकर अपमान नहीं करेंगे, किसी के साथ गाली गलौज अथवा अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के झंडे को अभिवादन नहीं करेंगे और उसका अनादर भी नहीं करेंगे। लीडरशिप की चेन उन्होंने बनाई। गांधी जी अपने गिरफ्तारी के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह का नेतृत्व सौंपते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी नेतृत्व करेंगे। दक्षिण में राजा जी, बंगाल में जेएम गुप्ता, नॉर्थ वेस्ट में गफार खान इस तरह सत्याग्रह का प्रभावी ढंग से नियोजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 11 मार्च को गांधी जी शाम को साबरमती के लोगों को संबोधित करते हैं। लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम अहिंसा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, अपने आप पर संयम रखते हैं और शांति से सत्याग्रह करते हैं तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप टूट गए तो मानव स्वतंत्रता का सपना टूट जाएगा। इस तरह अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। 12 मार्च 1930 कस्तूरबा गांधी, उनकी धर्मपत्नी उनको सूट का हार पहनाकर दांडी यात्रा के लिए उन्हें रवाना करती है। मणिलाल गांधी, उनके पुत्र इस यात्रा में शामिल होते हैं और उस समय विदाई के समय उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आते हैं। तब कस्तूरबा गांधी उन्हें वीरों के भांति हंसी खुशी विदा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह पूरा परिवार और पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा हो जाता है और फिर नाडियाद, भोसर, भरूच, सूरत आदि गांवों से गांधी जी का यह सत्याग्रह की यात्रा आगे बढ़ती है और जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और साथ साथ सभी सरकारी कर्मचारी अपना इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। प्रथम दृष्टि में हास्यास्पद लगने वाला नमक का यह सत्याग्रह अब एक लहर में तब्दील हो चुका होता है। कांग्रेस को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और 21 मार्च को मीटिंग बुलाकर पूरे देश में जन आंदोलन छेड़ने का वो निर्णय लेते हैं और सत्याग्रह में जुट जाते हैं। उधर गांधी जी अनुशासित सत्याग्रहियों के साथ आगे बढ़ते हैं, लोगों को जातीय भेदभाव मिटाकर संगठित होने की अपील करते हैं, घर घर चरखा चलाकर खादी का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह करते हैं, साफ सफाई का आग्रह करते हैं, शराबबंदी के लिए संगठित होकर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, स्वयं द्वारा बनाया गया नमक उपयोग में लाने का आग्रह करते हैं और बड़ी संख्या में सत्याग्रह में शामिल होने के लिए सबको आह्वान करते हैं। मुंबई और गुजरात के ब्रिटिश गवर्नर को लगता है कि गांधी जी को पकड़कर जेल भेज देना चाहिए।
और इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए, परंतु दिल्ली में बैठे अरविंद इसके लिए आदेश नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है, और ऐसा कुछ हो गया तो पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष निर्माण हो जाएगा और स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश अरविंद नहीं देते। सरकार असमंजस की स्थिति में होती है और गांधी जी सकुशल 5 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक गांधी जी सभी मीडिया कर्मी और अखबारों के माध्यम से जन जागृति करते हुए आगे बढ़ते हैं और इन 24 दिनों में सत्याग्रह की लंबाई 2.5 किलोमीटर लंबी हो जाती है। गांधी जी उस दिन समुद्र में स्नान करते हैं और अपनी मुट्ठी में नमक उठाकर उसकी नीलामी करते हैं। 1600 रुपए में उसकी नीलामी होती है। इस तरह गांधी जी का अनुकरण करते हुए हजारों सत्याग्रही नमक उठाकर सत्याग्रह करते हैं और ये लहर पूरे देश में फैल जाती है। 13 अप्रैल को बादलपुर में 20,000 लोग एकत्रित होकर नमक का दूसरा सत्याग्रह करते हैं। जून के मध्य तक आधे से अधिक लोग सरकारी नौकरी छोड़ चुके होते हैं। बंगाल और मद्रास में नमक के सत्याग्रह में हजारों लोग सहभागी होते हैं। 18 और 19 जून को मुंबई के एक्सप्लेन मैदान में हजारों सत्याग्रही एकत्रित होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में सिख लोग भाग लेते हैं। ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों द्वारा बड़े बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। सिखों के पास शस्त्र होते हैं, फिर भी अहिंसा के मार्ग से वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए यह सत्याग्रह सबसे निराला कहलाता है। उधर पेशावर में 23 अप्रैल को गफार खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैकड़ों खुदाई खिदमतगारों पर लाठीचार्ज किया जाता है, किंतु सभी स्थानीय पुलिसकर्मी सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करने से इनकार कर देते हैं। बौखलाए हुए ब्रिटिश सरकार को आर्मी को बुलाना पड़ता है। गढ़वाल राइफल के सैनिक भी बेगुनाह भाइयों पर लाठी चलाने के लिए इनकार कर देते हैं। सभी सैनिकों के विरुद्ध कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाती है। इस तरह 25 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर खिदमतगारों के कब्जे में आ जाता है। आखिरकार ब्रिटिश सरकार गुरखा बटन को बुलाते हैं और सत्याग्रहियों पर गोलियां बरसाने का आदेश देते हैं। सत्याग्रहियों पर हवाई हमले किए जाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को गाड़ियों और ट्रकों से बेरहमी से कुचला जाता है। इस कार्रवाई में 100 से अधिक सत्याग्रही मारे जाते हैं। इस तरह सत्याग्रह की आग दांडी से पेशावर, मद्रास, इलाहाबाद, पूरे देश के कोने कोने में फैल जाती है। वैसे तो सत्याग्रह के पहले मोतीलाल जी को गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया पसंद नहीं आता और जोश में एक लंबा चौड़ा पत्र गांधी जी को भेजते हैं। गांधी जी उसे पढ़कर 2 शब्द में जवाब देते हैं, करके देखो। और इसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू सत्याग्रह के उपचार के कार्य में जुट जाते हैं और अपना घर आनंद भवन, जिसे आगे स्वराज भवन नाम दिया गया, यह सत्याग्रह के उपचार हेतु समर्पित कर दिया जाता है। मोतीलाल जी सत्याग्रह करने का ऐलान करते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब मोतीलाल जी गिरफ्तारी के पहले गांधी जी को एक तार भेजते हैं और उसमें लिखते हैं, करने के पहले ही देख लिया। इस तरह सारा भारत अब कृति प्रधान हो चुका होता है। गांधी जी और मोतीलाल जी के संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार कागजी योजना या वैचारिक मंथन के परे जाकर जब हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो वह काम और अनुभव एक नई दिशा देते हैं। अच्छे विचारों से अच्छी योजना, योजना से काम और काम से अनुभव और अनुभव से अच्छी काम की योजना, यही सफलता का राजमार्ग है। यह हमें सीख दांडी यात्रा सिखाती है। दृढ़ संकल्प एक गढ़ के समान है जो विकट समय में हमें डावाडोल होने से हमारी रक्षा करता है। संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संघर्ष और चुनौतियों में ही नए अवसर होते हैं। अवसर हमारे जीवन में दबे पांव आते हैं, हमें उनके पश्चात को पहचानने की जरूरत है। कठिनाइयों को बोझ ना समझे, उसे परीक्षा की घड़ी समझे। अपने संकल्प को दोहराए और अपने लक्ष्य से कभी मुंह ना मोड़े, यही मंत्र हमें दांडी यात्रा देती है। अहिंसा एक अमोघ शस्त्र है। अहिंसा के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अहिंसा ने हिंसा पर विजय प्राप्त किया। एकता, भाईचारे और संगठित प्रयासों में बड़ी शक्ति होती है। सत्य और अहिंसा से
लोगों में आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। सब मिलकर एक दिशा में कार्य करने से लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। देश में हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठित रहना चाहिए। सचमुच दांडी यात्रा हम सबके लिए मार्गदर्शक यात्रा है। आप दांडी यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। गांधी जी अगला सत्याग्रह धारासना में करने का निर्णय लेते हैं और 4 मई को वाइसराय को एक पत्र भेजते हैं, किंतु उसी मध्य रात्रि को 12:40 पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रातों रात उन्हें एरवाड़ा जेल भेज दिया जाता है। लेकिन किसी अमेरिकन पत्रकार द्वारा यह खबर प्रकाशित की जाती है और सारे देश को ज्ञात होता है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पश्चात लोग सड़कों पर आकर इसका निषेध व्यक्त करते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी देवी नायडू करती है। अगले दिन खबर छपती है, भारत की सिंहनी का धरसना के नमक के कारखाने पर धावा। 600 पुलिस कर्मचारी, 6 ब्रिटिश अधिकारी उनको घेर लेते हैं और सभी सत्याग्रहियों पर अमानवीयता से लाठीचार्ज किया जाता है। सभी तरफ खून बहने लगता है। इसमें 1333 लोग जख्मी हो जाते हैं और 4 लोगों की जान चली जाती है। अब इस सत्याग्रह का इंपैक्ट देखिए। सत्याग्रह के दरमियान कॉटन का इंपोर्ट 75% से कम हो जाता है और खादी का उपयोग 60% से अधिक बढ़ जाता है और शराब बिक्री लगभग बंद हो जाती है। इस तरह अब लोगों को ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा चरम पर था। लगभग सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके बाद स्वयं स्फूर्ति से लोग आगे आए और कई जिलों में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नमक की सत्याग्रह की लड़ाई से स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रारंभ हुआ। आगे छोड़ो भारत मुहिम के माध्यम से इस अहिंसा के पुजारी ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिलाई। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा ही एकमात्र शक्ति है जिससे हम शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं और उसके प्रेम पात्र बन सकते हैं। सत्याग्रह सबका मित्र होता है, शत्रु किसी का नहीं। सफल सत्याग्रही की यही पहली शर्त है। सत्य ईश्वर है। यदि संपूर्ण सत्य का पालन किया जाए तो क्या नहीं हो सकता है। सत्य हमेशा स्वावलंबी होता है और बल तो उसके स्वभाव में ही होता है। सत्य साध्य है, सत्य साध्य है, अहिंसा साधन है। अब इस दांडी यात्रा से गांधी जी के नेतृत्व का महान लीडरशिप का परिचय होता है। दूरदर्शिता, महान लीडर की पहचान उसकी दूरदर्शिता से होती है। जो सामान्य लोग नहीं देख पाते, उसकी परिकल्पना नहीं कर पाते, केवल एक विजनरी लीडर ही उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। गांधी जी के नमक के चुनाव से उनके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग का परिचय मिलता है। प्रबंधन पटुता, गांधी जी की सत्याग्रह की समस्त जिम्मेदारियां जो है एक कार्यकर्ता से लेकर एक लीडर तक बड़े नियोजन के साथ सौंपी जाती है और उसे गति प्रदान की जाती है और इससे वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं। यहाँ पर उनकी प्रबंधन पटुता हमें दिखाई देती। किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पहले उसकी प्रोएक्टिव प्लानिंग करना आवश्यक है। प्रोएक्टिव प्लानिंग से हम समयबद्ध लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ी कामयाबी का राज छुपा होता है, इसलिए प्रत्येक एक्टिविटी की माइक्रो प्लानिंग करना आवश्यक है। जब हम कोई एक्टिविटी बड़े मास लेवल पर करते हैं तो उसे सफल बनाने हेतु उसकी माइक्रो प्लानिंग करना आवश्यक है। गांधी जी एक विचारधारा है, अब उनके विचारों को कृति में उतारने की जरूरत है। उस समय सब धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए नमक एक पुल साबित हुआ, वैसे आज डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सबको जोड़ने का काम कर सकते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से संवाद करने के लिए उस समय आधुनिक प्रणाली तार का सर्वाधिक उपयोग किया था। अगर आज बापूजी जीवित होते तो हमें डिजिटल साधनों के माध्यम से हमारे साथ संवाद करते और चरखे की जगह लैपटॉप ने ली होती। आओ गांधी जी के विचारों को साकार करें। RSIT के माध्यम से अपने आप को डिजिटल साक्षर करने का संकल्प करें और देश की उन्नति में भागीदार बने। दे दी आजादी हमें बिना कड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहिंसा के मार्ग से हमें आजादी देने वाले बापूजी एवं
ज्ञात और अज्ञात सत्याग्रही को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद।